लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रामे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने लालू यादव को जमानत दे दी है, जिसके बाद बिहार में राजद कार्यकर्ता सहित लालू समर्थकों में जमकर उत्साह है। मुजफ्फरपुर में पार्टी कार्यालय में राजद विधायकों से के साथ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया और खुशी जाहिर की। इस दौरान कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने कहा कि सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा था और न्यायालय ने आज जमानत दी। साथ ही इस समय कोरोना का खौफ है, नहीं तो गांव के खेत खलियानों तक भीड़ उमड़ा पड़ती और हमारे गांव के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जिस दिन पटना पहुँचेंगे उस दिन करोड़ों दिल के धड़कन, गरीबों के आवाज़, बेजुबानों के जुबान, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आज जो जमानत मिली है, हम लोग पहले भी कह चुके थे कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। आज न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा था और न्यायालय ने जो है पूरा भरोसा जिस तरह से हम लोग कायम किए थे, उस भरोसा के साथ लालू प्रसाद यादव जी को जमानत देने का काम किया है। अभी चूँकि कोरोना का महामारी फैला हुआ है, नहीं तो अभी नज़र नहीं आती, लोग उम्र बढ़ते खेत खलियान में लोगों को खुशी ज़बरदस्त है। चूँकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, MLA हैं, तमाम लोगों का लगातार फोन मोबाइल पर फोन व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आ रहा है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मैं एक बार और बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस दिन पटना में आएंगे उसी दिन यह राज्य की सरकार दहशत में आ जाएगी और बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी। गरीबों के मसीहा, हम लोगों के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी का उच्च न्यायालय से जमानत मिली है। हम लोग पहले से भी कहते आए हैं कि हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय ने आज जमानत देकर गरीबों के मान सम्मान को बाहर निकालने का जो आदेश दिया है, हम लोग पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथी आज सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल को देखते हुए हम लोग हर्षोल्लास तो जरूर मना रहे हैं, लेकिन अभी जो कोरोना महामारी है इसके चलते हम लोग बहुत ज़्यादा कोई कार्यक्रम नहीं किए हैं, लेकिन लोगों में हर्ष है, हमारे कार्यकर्ता साथी में हर्ष है। तमाम जगहों से फोन आ रही है, तमाम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे नेता जो गरीब को जमान देने का काम किया, जुबान देने का काम किया, गरीबों का आवाज़ बुलंद करने का काम किया, जो इतने दिनों से जेल में बंद थे, जिनको BJP की सरकार, चाहे वो नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार, अभी तक जेल से बाहर नहीं आने दे रही थी, लेकिन आज कानून पर हम लोग को भरोसा था जिसके चलते उनका जमानत मिला है। 2-3 दिन के बाद वो बाहर आ जाएंगे और तब पारिवारिक लोगों से मिलने जुलने के बाद अपना इलाज कराने के लिए पुनः दिल्ली या बम्बे, जहाँ भी समुचित इलाज हो वहाँ इलाज कराया जाएगा।